और एक और बड़ी खबर इस वक्त, समान नागरिक संहिता का मुद्दा नहीं है ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है इस मामले से जुड़ी हुई। मानवाधिकार का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक समान नागरिक संहिता का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि ये दरअसल मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे समान नागरिक संहिता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ट्रिपल तलाक पर बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। तो मानवाधिकार का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है और इसे कहा है कि इसे समान नागरिक संहिता से जोड़कर ना देखें, उसका मुद्दा नहीं है ट्रिपल तलाक और ये मानवाधिकार का मुद्दा है। और अरविंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी खबर बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अदालत का ये क्लेरिफाई करना कि ट्रिपल तलाक को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर नहीं देखा जाए और अदालत सिर्फ ट्रिपल तलाक की वैधता पर विचार कर रही है। क्योंकि तमाम जो याचिकाएं दायर की गई थी, खासतौर से जो कथित मुस्लिम संगठनों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उनका कहना यह था कि ट्रिपल तलाक को लेकर के जो केंद्र सरकार का स्टैंड है उसके पीछे दरअसल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक सियासी मसला ये बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया है कि वो इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद 16 फरवरी को सवाल तय किए जाएंगे, जिन सवालों पर विचार किया जाएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी उस पर कोई विचार नहीं होगा।